देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ई का बोल रहल बनी भाभी आप? यश भैया के पता चलल ना, धमके मार पड़ी। अरे तक का भइल हमार प्यारा देवर जी, अपन भैया और भाभी के खुशी खातिर थोड़ा सा मार खा ले तक का फर्क पड़ी। यू आर राइट भाभी, अपन प्यारी प्यारी भाभी खातिर ए देवर के जान भी हाजिर बा। ई भइल ना बात, तो तुहार पहला पहल पे यश जी और आरती पानी फेर देले। हाँ लव गुरु, अब आप ही बताई कि हम लोग का करें। एगो रास्ता। अब का? समझ गई लू ना आंटी जी, इस तरह के काम तब परिधि खातिर बाएं हाथ के खेला, हमरा खातिर ना। और परिधि अपन मम्मी पापा के साथे कोनो शादी में गईल बड़ी। ओ कैसे करा आंटी, कोशिश करा तानी। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। भाभी आई एम श्योर आप कर सके नी, आप हमारा अच्छा भाभी बनी ना। हाँ 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 हा। हमार बिल्ली हमरा से ही में हो। प्रतीक भैया, मम्मी जी से ही कैसे करवाई भम? यश भैया कब से काम में लगल बानी, गर्दन तक उठावे के फुर्सत ना उनकरा में। अगर ऐसे में आरती उनकर थोड़ा सा मदद कर दे तो का चल जाए होकर। अगर बाबूजी ऐजा होती तो फौरन आरती के ऑर्डर दे देती कि बहू जा और यश के मदद कर। आखिर बाबूजी भी तो यह चाहेनी ना कि यश भैया और आरती ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताएं। लेकिन आरती ओके फुर्सत कहाँ, सिर्फ बच्चन के ध्यान रखले पत्नी धर्म थोड़ी हो खेला। पति के सुख दुख में ओकर ध्यान रखल, ओकर साथ निभावल, ये सब भी कुछ मायने रखेला बाना मम्मी जी। कहाँ भी आरती बुलावा ओके, हम कहा बोसे हमरे बेटे के काम में मदद करे। अरे पर आपके और हमार कैसे कहां माने वाला बाड़ी हो, अब इतना सारा काम है ओकर सर पे, इतना सब जिम्मेदारी है, और बच्चन के ध्यान रखल, ओके खाना खिलावल, तैयार करावल, उनकर होमवर्क, उनकर पढ़ाई, उनकर लिखाई, और फिर ये बात खातिर आरती के पास टाइम कहां। और ऊपर से यश भैया भी ओके मना कर देनी। यश के बात छोड़ दो, ओके हम संभाल ले, वो हमार बेटा है, हमार बात कबो ना करे। और रहल सवाल आरती के, तो वो मना ना कर सकेले, इतना हिम्मत नहीं क्यों करे में। आरती बहू, ओहो अब सासू माँ के काब है, ऐसे गुस्सा में काहे चिल्लात पड़ी। जी मम्मी जी, आज से बल्कि अभी से तके यश काम में ओकर मदद करे के होखी। सिर्फ घर पर ही ना, वो जहां जहां जाए तू ओकरे साथ जेबू, चाहे वो मीटिंग होखे, शादी के मंडप होखे, हर जगह साया के साथ तू ओकरा साथ होखबू, समझ लो। बाकी यश जी तो खुद ही मना केले बड़े, और बच्चन के हम के बहस ना चाही, ठीक बा? वैजा हमार बेटा काम की वजह से परेशान हो रहल बा, और तू दलीले दे रहल बड़ू बेकार के। अरे कौने काम के बाद तो हर पढ़ाई, जन अपने पति के काम ना आ सके। चित्रकारी जाने लू ना तो करम मदद अपने पति के, हर तरह से अपने पति के मदद कर पत्नी के धर्म हो खेला। रहा सवाल घर के काम के, तक घर के काम विधि संभाल लिया, और बच्चन के पढ़ाई लिखाई आज से छोटी बहू देखी, यह तो अच्छा खासा पढ़ा लिखल भी है ना।
छोट बहू, 5 साल के बच्चा के लेसन तो पढ़ा सकेलू ना? तारती के हाथ से ब्रश और किताब ला और बच्चन के कमरा में जा, चला। और तू ए वक्त यश के तुहार जरूरत पा, और तू यश के साथ काम करबू, ई हमार हुक्म है, समझ गई लू? मान ही गईली, अब हम भी देखा तानी कि वो प्यार से कैसे इनकार करेली। वैसे प्यार के शुरुआत तक काफी पहले हो चुकल रहे, लेकिन हाँ अब बारी है ही माने के कि हम वाकई उनके चाहे लगनी है। ये प्यार के बात के करा संगे करत रहलू हो तू? पानी। अरे बतावा ना हमरा, काल से हम तोरा देख रहल बानी कि छुप छुप के तू फोन पे बात कर रहल बाड़ू हो धीमा आवाज में, के बा हमू तो सुनी? दोस्त था हमार। दोस्ती और वो ही उम्र में? ताहे दोस्ती और प्यार खातिर उम्र ना देखल जाला। लागत है उम्र से पहले ही सठिया गई बड़ू तू। हो सकेला, नामुमकिन तक कुछ नहीं खे। अब खुद के देखी उम्र में जलन हो रहा आपके, वो भी शादी के 30 साल बाद। वैसे आपके बात सुन के अच्छा लग रहा ला हमके। अब हसल बंद करा और हमार बात के जवाब दे कि ये सब का चल रहल बा। हमने के आरती के प्यार हो गयला यश जी से, और उहा कि लगातार ही बात से इनकार कर रहल बाड़ी। ऐसे हम विधि, प्रतीक और विधि मिलके ओके यश जी के करीब लावे की कोशिश करतानी। अब आपकी तो दूसर के शादी के मंडप में अपन लाइट से उजाला कर से फुर्सत ही नहीं खे। ऐसे में हमके ही अपन बेटी के दिल में जल रहा प्यार के लौ के अच्छा से जलावे के होखी। चलिए आप चेंज कर ले, हम खाना लगावत आने, बैठ के बात ओजे करब। काबिल परी, तू इतना अपसेट कहां है बड़ू? ये तू हमसे पूछ रहा बड़ा प्रतीक, एक मतलब तुम्हारा क्या अंदाजा ही नहीं है कि हम पे कौन सा बात परेशान कर रहा बा, और तू यूं गावत आवत अड़ा मस्त मौला बनके। अरे अब तू बताइबो ना तो हम कैसे? मम्मी जी से लेकर पूरा परिवार आरती भाभी के पीछे पड़े कि आरती भाभी यश भैया के साथ मिलके काम करे, और हमार केहू के परवाह ही नहीं के प्रतीक। जब हमके कहल गए हमके जॉब नहीं के करे के, तब केहू के मुंह ना खुलल। ऐसा काहे प्रतीक, एक के घर में एक बहू खातिर नियम कायदा कानून सब अलग और दूसर बहू खातिर अलग। पर हम जनत बनी तो के अपन जॉब ना कंटिन्यू कर पाओ के दुख बा, लेकिन तू कैसे बात करत बाड़ू? तू तो खुद प्लान में शामिल बाड़ू ना, और फिर शोभा आंटी से तू भी तो बात कर ले रहलू। पर ये वक्त आरती भाभी के यश भैया से प्यार के इजहार करावल बहुत जरूरी बा, तबे उनकर शादी सक्सेसफुल होखी। तो कि केहू गलत नहीं के कर रहल, फिर तू कहां ऐसे रिएक्ट कर रहल बड़ू? हरी ए वक्त तोरा मन में जौन भी कड़वाहट जौन भी शिकायत बाना ओके भूल जा, बस प्रार्थना करा कि आरती भाभी यश भैया से अपन प्यार के इजहार जल्द से जल्द कर दे, और फिर तू भी तो यह चाहत बड़ू ना? जब तक आपके असिस्टेंट वापस ना आ जाली, हम एक काम में आपके हाथ बटाई। आपके साथ सारा क्लाइंट सर्विसिंग मीटिंग्स में भी जाई, प्रेजेंटेशंस बनाई,
वो सब कुछ करब जे आपके असिस्टेंट करत रहली। आप बच्चन की चिंता मत करी। मम्मी जी कहत रहली कि परिधि और विधि भाभी बड़ी उनकर ख्याल रखे खातिर। माँ हमरे के बतेले रहली कि आप हमार हेल्प करे के चाहतनी। देखिए आरती जी, सब काम इतना आसान नहीं है। काम तो कौनो भी आसान ना होखेला, और हम मेहनत करे से डरे नहीं ना। मानता नहीं हम ही लायक नहीं की कि आपके साथ एक काम में आपके हाथ बटाई, लेकिन एगो कोशिश तो कर सके नहीं ना। हमरा के एगो मौका देके तो देखी हम आपके डिसअपॉइंट ना करब, और आप तो बानी है हमरा साथ हमरा गाइड करे खातिर। अगर कहीं हमरा से कोनो गलती होके ला तो हमरा बोल दे आप, हमरा बिल्कुल भी बुरा ना लगी। सचो ठीक बा। जहां से बारात की एंट्री हुई ओकरा ठीक 90 डिग्री पे हमरा शामियाना चाहिए। जी ये कलर पेपर पर तो अच्छा लगा था, लेकिन हमरा लागत नहीं कि ये कलर कॉम्बिनेशन पंडाल पर अच्छा लगी। आप हमरा के एक मिनट दे प्लीज। एक मिनट। काम करता नहीं हमें आपके वो लाइट में दिखावता नहीं जे लाइट मंडप में होके वाला बा। एकरा के पकड़ी। अब बताई ई लाइट में ई कॉम्बिनेशन कैसा लगा था? हमरा तो बहुत अच्छा लगा था, बाकी आप अपन राय भी बता दी। ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन, सच में आप काफी टैलेंटेड बनी, और ऐसा टैलेंट सबका मिना होगा। हम आपके टैलेंट के कद्र करते नहीं।
अपन नींद गवावे के कोनो अफसोस नहीं है भाभी। आरती भाभी के चेहरा के मुस्कुराहट साफ बतावत बा कि उनके यश भैया के संगे काम करे में कितना बढ़िया लगत बा। इतना देर हो गई बा और उनका आँख में नींद बिल्कुल भी नहीं खे। ये तो काली रानी शोभा आंटी यादा कि जब केहू के साथ इतना अच्छा लगे लगे कि टाइम की पता ही ना चले। एकर मतलब हा कि आरती भाभी के हमरा यश भैया से प्यार हो गई बा। बिल्कुल सही। कांग्रेचुलेशंस भाभी, हमनी के प्लान नंबर वन सक्सेसफुल रहल। अब देखा बाप, अभी तो आरती भाभी यश भैया के सिर्फ असिस्टेंट बनल बाड़ी, धीरे धीरे आरती भाभी तन मन धन अपन सब कुछ निछावर करके एगो अच्छा पत्नी भी साबित होगी। खिचड़ी पकत रहल, ए लोगन के प्लानिंग रहल आरती के यश के करीब लावे खातिर। लेकिन आरती के यश के प्यार कबो ना मिली। हमार अपमान करके, हमार नींद उड़ा के ई विधवा सुहाग और रंगों के खुशियां बटोरे अपने झोली में, उ दिन हम कबो ना आवे दे। हमरे भगवान की कसम, प्रेम कहानी बन रहल बा। तन मन धन न्यौछावर करे वाली पत्नी बनी ई आरती। प्रतीक भैया चले, अभी प्यार के चिंगारी के हवा देके थोड़ा और बढ़ावल जाए। ता आप जाए किचन में और हम जाता नहीं यश भैया और आरती के पास। ऑल द बेस्ट। ओके भाभी। अरे कुछ खाए पिए की हो कि ना आप दोनों के? हमारा तो दिमाग से निकल गए, काम में इतना बिजी हो गए नहीं कि। सुन ले रानी, की प्यार में भूख प्यास सब उड़ जाला। आज देख भी लेनी, सब लोग खाना खा चुकल बड़े, तो हार और यश भैया खातर किचन में खाना रख देनी है, जाके ले आवा। अरे काम तो होखत रहे, पर टाइम पे खाना खाएल भी तो जरूरी है। जी भाभी। आरती भाभी के छुपल प्यार जगावे खातिर का करे के पड़ रहा बा? भाभी तो कले रली की दूध हरी परोसल बा, यहाँ देखिए बा। सॉरी भाभी, ये बदमाशी करे के पड़ल, जरूरी रहल। वो का बा ना, लव गुरु के कहल बा कि एक ही थाली में खाना खाए से प्यार बढ़ेला। वाह, भूखा भाभी? वो हमरा भूख नहीं खे, हम बाद में खा ले। अब यशी आप खाई ना प्लीज। अरे बाद में कब, लंच के बाद से कुछ भी ना खा लो तू। यश भैया आप खाई ना, हम आरती खातिर खाना लेके आवत आनी, भूखा ना रहे देबे के। भाभी
भाभी किचन में एक ही प्लेट रखल रहे, एकर अलावा खाना बाही ना। एक ही प्लेट रहे? लेकिन हम तो दो थाली परोस रहे रानी, एक आरती और एक यश भैया खातिर। भाभी सॉरी, वो हमके पता ना रहल, हमार दोस्त आयल रहे काफी दिन बाद, हम खाना ओके खिला देनी। हमके पता ना रहल कि आप और यश भैया खाना नहीं की खेले। कोनो बात ना प्रतीक भैया, हमरा वैसे भी भूख नहीं खे, और जब भूख लगी तो कुछ वो खा ले। अरे ना भाभी, अभी नहीं खे थे, कुछ देर बाद तो लगी ना। आप हमके बताई, हम अभी बना देत बनी सूप या नूडल्स, जल्दी बोली। ना ना, एकर कोनो जरूरत नहीं खे, रात बहुत हो गई बा, किचन में आप काम करब तो आवाज से शायद घर वाला लोग जाची है। हम फ्रूट्स खा ले भैया, चिंता की कोनो बात नहीं खे। अब अरे ना ना भाभी, फ्रूट से भी कोनो पेट भरेला। हाँ आरती जी, आप यश जी, जब हमरा के भूख लगब तो हम फ्रूट्स और दूध पी ले, हमार चिंता मत करी। अब वैसे भी अभी बहुत काम बाकी बा, हम काम करत नहीं, आप जल्दी से खाना खा ली। भैया भाभी इतना सारा जिम्मेदारी और आपके वर्कलोड संभाल रहल बड़ी, तो आपके निखे लगत की आपके भी अपन खाना आरती भाभी के संगे शेयर करे के चाहिए। ये भी कोई कहे की बात है प्रतीक भैया, अगर आरती की खाना ना मिली तो यश भैया की अच्छा ना लगी। प्रतीक खाना तो हम जूठा कर देले बनी, आरती जी की खाना। कहीं आप अभी भी घिसल पिटल फिलॉसफी पे बिलीव तो ना करनी कि जूठा खाना खाए से प्यार बढ़ेला, और यही से आप अपन जूठा खाना आरती भाभी के नहीं खिलावे के चाहत। ना बिल्कुल ना। आरती जी आई, खाना खा ली, अगर आपके बुरा ना लगो तो। कितना भी खिसल बात कहे ना हो प्रतीक भैया, लेकिन ये बात तो सच्ची है कि जूठा खाए से प्यार बढ़ेला। प्रेजेंटेशन तो रेडी हो गई, बस कल की मीटिंग अच्छा हो जाओ, मिनिस्टर साहब और उनकर वाइफ के हमने के प्रेजेंटेशन अच्छा लागो। बिल्कुल लागी यश जी, काहे ना लागी, हमने इतना मेहनत जी कहले बानी, और वैसे भी ये प्रेजेंटेशन लैपटॉप पर था और भी अच्छा दिखाई दी। कंप्यूटर्स के जमाना बना, पेपर्स पे बनल स्केचेस तो बहुत टैकी लगेला। जी आरती जी, आप बहुत अच्छा काम करी, इनफैक्ट हम अपने असिस्टेंट के कहम कि वो आपके तरह ही काम करो, गुड जॉब। थैंक यू आरती जी, कल प्लीज आप टाइम पर रेडी हो जाए, हमने के तरफ से हमने के एक मिनट भी लेट नहीं हो सकत, और लेट पहले हमरा बिल्कुल पसंद नहीं के। थैंक्स आरती जी, हमार हेल्प करे खातिर।
थैंक यू आरती जी, थैंक यू हमार मदद करे खातिर। और कल के मीटिंग में एक मिनट भी लेट ना होके के चाहिए, कहे कि हमरा लेट हो कल पसंद नहीं है, समझनी। हमके सच में बहुत बुरा लगा था मम्मा, सब लोग कितना अजीब बा, एक के घर में सब लोग खातिर अलग अलग रूल्स बा, डबल स्टैंडर्ड लोगों के साथ रह कितना मुश्किल हो खिलाना। परी मम्मा, हम आपके थोड़ी देर बाद फोन करते नहीं, ओके बाय। हम समझौले रहनी ना तोके कि तोरा संगे कोनो जाति नहीं हो रहल, फिर अपन मम्मी के फोन करके बतावे के ई का जरूरत रहल। पर ई घर के छोट छोट बात मम्मी के बतावल ठीक ना लगल हमके। ओ तब हम अपन प्रॉब्लम्स, अपन दुख अपनी मम्मी के साथ शेयर भी ना कर सके नी। प्रतीक आखिर तू चाहेला का कि हम यूं ही घुटत रहे कि होसे कुछ ना कहीं? हम ऐसा तो ना कहें। बस प्रतीक, हमके बहलावे की जरूरत नहीं खे। हम अच्छी तरह समझ चुकल बानी कि तू टिपिकल इंडियन टाइप के लड़का हुआ, अपने घर वालन के सामने तो मुंह खुले लाना, बस हमके चुप करवात रहेला। परी स्वीटहार्ट, तुम के गलत समझ रहल बड़ू, हम ऐसा तो ना कहानी ना। परी आई लव यू, हम तो से बहुत प्यार करेनी, सच। काका करवा देवेला, कितना अच्छा से तैयार हो खेली आरती। पहले कब वो आरती के इतना सस्ते सवरते ना देखने रहे कि तरीका ही बदल गई आरती के। और साड़ी भी डिजाइनर साड़ी पहनल जा रहा ला। अरे भाभी आप कब आनी? बस अभी अभी। अच्छा यश भैया बाहर कार में तुहार इंतजार कर रहा बानी, जल्दी जा। अरे हाँ जाता नहीं। अब भाभी हम जाना था नहीं, कहे के कोनो जरूरत नहीं खे, आप और परिधि बच्चन के बहुत अच्छा से ख्याल रखा। बाकी प्लीज भाभी, हम ना चाहता नहीं कि हमार काम करे के वजह से बच्चन के कोनो भी तकलीफ हो के। तू बिल्कुल चिंता मत करा। थैंक यू, बाय बाय। सॉरी बुआ जी, जल्दबाजी में दिखल ना। सही कहलू तू, गलतियाँ जल्दबाजी में ही होखेला। बहुत जल्दी बना तोहरा के यश के साथे। आरती जी चली, देर होता। हमरा जाए के होई, यश जी वेट कर रहल बाड़े। वाह, नया फैशन के साड़ी और सिर पर बिना पल्लू लेले पति के साथ घूमे गए। बहुत पर निकल आयल बाई आरती के, उड़े के बेचैन हो रहा बिया। लेकिन हम एक नया नया पंख पर ऐसा कैंची चलाए कि मुंह के बला के गिरी। आवे दाय के वापिस फिर देखा नहीं। सिंधिया साहब नमस्कार, आप बैठिए, हम अंदर बता क्या होता नहीं।
11 बजे मीटिंग रहे ना, 11:30 बज गए बा, और कितना देर वेट कर रही हैं ये लोग। तनी सा देर हो गई, वो कहा ना कि स्वीटी तैयारी ना भइल रहली, और हमने के मैडम बिना स्वीटी के कोनो भी मीटिंग अटेंड ना करेली। स्वीटी तई नाम्बा होखे वाले दुल्हन के आपके प्रेजेंटेशन तैयार बाकी ना जी, तब फिर आई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। अरे मिस्टर सिंधिया, आई आई हमने आपके इंतजार करत रहनी, बैठी। आप दिखाएं आपका प्रेजेंटेशन लेके आई बनी। ये देखी देखी, हमने अपन बच्ची के शादी इतना धूमधाम से करे चाहे नहीं कि आज तक ना तो क्यों देख ले हो ना सुन ले हो। जी बिल्कुल, हमने क्या पूरा कोशिश कर ली बनी, आप एक बार देख ली। कहा मिस्टर सिंधिया, अब बस हमारे श्रीमती जी के पसंद आवे के चाहिए। अगर ये ओके कर देली तो समझ ली कि आपके मेहनत सफल हो गई। जी सर। का भाई बच्चा, अब भूख लगल है? देखी ना, सुबह से ही नाश्ता भी ना कर लिया, बहुत शैतान हो गई ला हमार स्वीटी। तो ये बड़ी स्वीटी दिखाई। जी हम तो आपके मंडप में आर्चिड वाला फूल लगावे खातिर कहले रहनी, वो भी जंगली गुलाब तो हम ना कहले रहनी। आई एम सॉरी मैम, लेकिन लास्ट मीटिंग में आप खास तौर पर कहले रहनी कि आपके लाल गुलाब चाहिए। हम सारा तैयारी कर ले बानी, इनफैक्ट हम ऑर्डर भी कर दे ले बानी। आप ऐसे कैसे कह सके नी, हमके अच्छा तरह से याद है हम वो आर्चिड वाला फूल ही मंगवा ले रहनी आपसे। बुलाई, आप अपने साथ मुझे काम करेला होके बुलाई। जी अरे वो लड़की जब पिछला बार आपके साथ आल रही, हम उकरे बारे में बात कर रहा था नी। देखिए मैम, हमने क्या अपन सारा क्लाइंट के फीडबैक के रिकॉर्ड रखे नी। आपके क्या लगला कि हम झूठ बोला था नी? तो अपन गलती के छिपावे खातिर हमरा पे इल्जाम लगा रहा बड़ा, आपके हिम्मत कैसे भइल हमनी से इस तरह से बात करे के? यश जी इतना इज्जत के साथ बात करत रहले, लेकिन यहाँ तो लोग मार धाड़ पे उतर ले। एकरा से पहले कि यश जी के सब्र के बांध टूट जाए, कुछ करे के होई हम रखे। अरे मैडम, अभी तक ऐसा कुछ बिगड़ले नहीं के जिकरा ठीक ना कर जा सके। आप शादी में ऑर्केस्ट चाहे नी ना, और वह लेवेंडर कौनो प्रॉब्लम नहीं के, अरेंज हो जाइए। अरे वाह, इनकर ई असिस्टेंट तो हमके बहुत ही समझदार लग रहल बड़ी। समझदार, लाखों के नुकसान कर देली हमार, अब हम लाल गुलाब के का करब? हमार पास एगो आइडिया बा, अगर दुल्हा दुल्हन के जयमाल के टाइम पर उनकर ऊपर से गुलाब के पंखुड़ी बरसावल जाए ते कितना अच्छा लागी ना, सब लोग देखत रह जाई हैं। और वैसे भी लाल रंग ता प्यार के प्रतीक हो खेला। अब बिल्कुल सही कहा तानी, लेकिन एकर वजह से हमनी के बजट तनी सा बढ़ जाई। अब ठीक है, एगो काम करी, मंत्री जी के ऑफिस जाई और उनकर पीए से एगो चेक ले ली। चली जी, होखे वाला समधी जी आवे वाला है ना? अरे हाँ, इजाजत दे मिस्टर सिंधिया। जी नमस्ते। चल स्वीटी। थैंक यू आरती जी, लाल गुलाब के नुकसान भी ना भले और आप इस सिचुएशन बहुत अच्छा से संभाल लेंगे।
साँझ के 5 बज गए, अभिन तक की आरती आयल ना, न जाने कहाँ अटक गई। मम्मी पापा, मम्मी पापा, मम्मी पापा, पापा मम्मी हमने खातिर का ले ले बानी? बताई। आपके पापा के बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलल बा, यही से हमने आपके खातिर यमी सा केक ले ले बानी। ये! थैंक यू पापा। ओहो, कितना शोर कर रहल बड़े ये लोग। हमके ते घर में भगवान का नाम जपे खातिर शांति ना मिल सकेला। सॉरी बुआ जी, बच्चा लोग चलिए हमने के बाहर खेले के ना, तब बुआ जी डिस्टर्ब हो जाए। और केक आपके मम्मा बाहर लेके आ जाइए। अब चले के चलो 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 चलो। का बात है, आज बड़ा खुश लागत बड़ू जी। ओ मिनिस्टर जी और उनकर फैमिली के हमने के डिजाइन्स बहुत पसंद आए। अरे मीटिंग वगैरह था, सब बहाना है। तू कहाँ है अपने आप से और हम से झूठ बोल रहल बड़ो? झूठ? कैसन झूठ बुआ जी? ई है, यश के साथ काम कैल, परछाई खानी ओकरे साथ रहल, ई सब जानबूझ के कर रहल बड़ो ना, जैसे यश के दिल में जगह बना सको और कर प्यार पा सको। अभिन पलक के जन्मदिन वाले घटना के 2 दिन भी ना भइल और तू फिर वे गलती कर रहल बड़ू। बुआ जी आप अच्छा तरह से जाने ने कि ई सब हम मम्मी जी के कहे पर ही कर रहल बानी। वह चाहत रहनी कि हम यश जी के उनकर काम में हाथ बटाई, और फिर उनकर असिस्टेंट भी नहीं खी, स्मृति भी तो छुट्टी ले ले बाड़ी। स्मृति छुट्टी ले ले नहीं खे, ओके छुट्टी पर भेजल गइल बा कि तू यश के करीब आ सका। मंदिर से वापस आवत समय हम अपने घर चल गए रहनी, ऐसे ही देखे कि सब ठीक बाकी ना, वजह हमके पता चलल। इस सब तोहर लाडला देवर प्रतीक के कारस्तानी हो। प्रतीक अपना पैसा पर स्मृति के मनाली भेजले बा छुट्टी मनावे खातिर, वो वहाँ पहाड़ पे मजा कर रहल बिया। हमरे बात के भरोसा नहीं खे, स्मृति के घर जाके ओकरे माँ से पूछो। ई लौकर पता, प्रतीक ता नादान बा, बचपना भरल बा करे अंदर, लेकिन तू ता समझदार हो। यश के मन से अर्पिता का याद कबो ना मिट सकेला, वो दोबारा कबो प्यार ना कर सकेला। मम्मा 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 चला ना पायल और पापा के हमने सबकी केक खाए क्या? तू चला, हम अभी आवत आनी। ओके। कितना ढीठ औरत पाई, एकदम चिकना घड़ा, लेकिन हम कुछ कम नहीं खी। और वैसे भी सीधा उंगली से घी निकले ला कबो। मम्मा केक लेके आ गई ली।